हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। आज हम दोबारा से अपनी शॉप में जाने वाले हैं और आज बहुत सारे काम करने हैं। लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं उतनी पता थी वो आप लोगों ने कमेंट में बताए थे, तो उसके लिए थैंक यू सभी लोगों को। और हाँ, जो लास्ट टाइम पे मेरा माउस मुझे ऐसा लग रहा था कि जल गया, वो चोरी हो चुका था, बाद में मैंने भी नोटिस कर दिया था। और नॉट ना एक सेकंड, ओके, इसको अभी पैसे पे वे नहीं करना, ये ना बहुत पैसे हड़प रहा है ऐसा करके। पहले इसने $100 दिए मैंने इसके, उसके बाद से इसने और ये सब करना चाहा। तो सबसे पहले ना अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं अभी शटर ऑन ऑफ करने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए हैं, अब जाके यहाँ पर जैसे गेम है ना ये वाला, तो शायद वो लोग थोड़े बहुत गेम वगैरह भी खेल पाएंगे। तो एक ना देखो, इसमें मैंने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया ना, ठीक है, एटलीस्ट जिसको गेम वगैरह खेलना होगा खेल सकता है। एक इसमें ऑप्शन है क्रैक करके, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि हम लोग अपने ना गेम्स को क्रैक कर सकते हैं, जैसे मेरी आईपी ये है। इसके बाद सबसे पहले मैं एक बार सर्वर ज्वाइन करने वाला हूँ, उसके बाद से हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब जाके मेरे को डालना है आईपी 3151204 67 तो ज्वाइन सर्वर हो जाएगा। ओके, कमांड, ओके, सर्वर ज्वाइन हो चुका है, अब हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे अगर मैं गेम क्रैक करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैक्ड गेम बाई करते हैं, तो वहाँ से हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हाउ टू क्रैक दिया हुआ है और ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि कैसे करना है, तो एक बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। मुझे सेंड पैकेज लिखना है, उसके बाद से गेम की आईडी डालनी है, तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। अगर हो गया, सबसे पहले चिकन पैन रॉयल मीडियम, ये मीडियम है, इसको एक बार ट्राई करूँ क्या? एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया ना तो मतलब मज़े आ जाएंगे, सही में मज़े आ जाएंगे। ओके, तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद से हमको एक नंबर डालना है, जैसे उसमें 50 दिया हुआ था, तो मैं 50 तो नहीं डाल रहा हूँ अभी, मैं 35 डाल के स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बीच का नंबर होता है, और अगर ज़्यादा डाल दिया तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है किसी पोर्ट को, अगर हमको करेक्ट पोर्ट मिल जाएगा तो हम उसके बाद से गेम को क्रैक कर पाएंगे, और ये ना मतलब बहुत बहुत सही चीज़ है पैसे कमाने का स्टार्टिंग में। तो दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, हमको पोर्ट नंबर नहीं मिल रहा जिससे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिपीटेड प्रोसेस होने वाला है, बट ट्राई करके मेरे को देखना है बार बार। A few moments later. Okay, फाइनली मुझे मिल चुका है, 2-3 बार मैंने ट्राई किया था, और अब जाके मुझे क्रैक करना है इस गेम को। तो ये वाला गेम हमारा, ये वाला मैंने इजी वाला ट्राई किया था। अबे यार, ये गलत टाइम पे लाइट कैसे, इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बार बार ना अपने मन से बंद हो जाती है। अभी मैं बहुत सही काम पर लगे हुए थे, अब बस इधर तरह से गायब ना हो जाए, चीज़ें वैसे की वैसी रहे। तो गेम, हमको पोर्ट मिल चुका था जहाँ से हम लोग गेम को क्रैक कर सकते थे, अब देखते हैं कि क्या वहीं से स्टार्ट होगा या फिर दोबारा से मुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी सारी। ओके, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं अभी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सेंड पैकेज मैंने करा था, तो दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूं यार, मुझे याद भी नहीं कौन सा नंबर, पोर्ट नंबर क्या था, 79 ऐसा कुछ याद था मुझे, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, 96 है, ओके, अब जाके मुझे क्रैक लिखना है। ओके, ये डाल दिया, अब जाके मेरे को डालना है पोर्ट नंबर, ठीक है, तो देखते हैं। करेक्ट पोर्ट फाउंड स्टार्टिंग क्रैक, ओके, क्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारा पहला गेम क्रैक होने वाला है। तो अब जाके मुझे काम क्या पता करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे एक सीडी खरीदनी है और उसमें ये गेम राइट करके उसके बाद से मेरे को सेल करने जाना है, अगर मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं तो। ऑर्डर तभी आएंगे, एक सेकंड, फाइल्स आर रिटर्न टू डिस्क, ओके, हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, मैं एक एक करके ना टाइम लगने वाला है। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हमारा एक गेम आ चुका है, अब मैं इसको राइट कर सकता हूँ, लेकिन ऑर्डर अभी नहीं आए होंगे। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाहर, में कुछ ना सीडी बाई करने वाला, क्योंकि देखो अभी ना मेरे पास सिस्टम बाई करने के पैसे नहीं है, और भी कुछ भी नहीं है मेरे पास यार अभी, तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा। एक बार मैप में देखें कि कहाँ पर मिलेगा, योर होम सेकेंड हैंड शॉप और क्लब, यहाँ पर तो मेरे को यहाँ पे शायद जाना है, घर के आसपास में कहीं पे शॉप होगी, तो मेरे को वहाँ से ये डीवीडी जो है बाई करनी पड़ेगी। ओके, मेरे को मिल गया। ओके, एक हमको मिल रहे $10 की, तो एक दो, ओके, तो अभी ना मैं सिर्फ दो यहाँ से बाई कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, क्योंकि मैं अपने बैग में इसको नहीं रख पा रहा हूँ सीडी को। तो पहला गेम मैं एक बार करके ट्राई करके देखने वाला हूँ कि क्या हमको कोई ऑर्डर मिलता है। ये सारे काम ना चोरी छिपे करने पड़ेंगे यहाँ से, तो एक बार इसको बंद कर लेते हैं, और हाँ, इसको लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ये इसको कैसे एक्सेस करूँगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, हो चुका है, अब मैं इसको राइट करने वाला हूँ, ठीक है, तो हमारा पहला ये काम होने वाला है, उसके बाद से यही काम मुझे करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ओके, सर्वर ज्वाइन हो चुका है, माई क्रैक्स राइट डिस्क कर रहा हूँ, तो टाइम लगेगा इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा वैसे तो ये गेम हम लोगों ने क्रैक कर लिया, बस पसंद आ जाए और किसी का ना ऑर्डर आ जाए, मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, क्योंकि पहली हमारी गेम है जो मैंने क्रैक की हुई है। और मैं चाह रहा हूँ चिकन पैन रॉयल मीडियम है, इजी के बाद मीडियम में मैं जाने वाला हूँ, हार्ड तो कुछ नहीं है,
इसको भी मैं क्रैक करता हूँ, थोड़े से गेम क्रैक करके ना मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। A little longer than a few minutes later. तो अभी हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ $68 में, और मेरे सिर्फ $10 लगे थे, तो 68 में ही बाई करने वाला बंदा ऑर्डर दे दिया। अब जाके मेरे को यहाँ से निकलना होगा उसको देने के लिए सीढ़ी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं, अपना शटर ओपन करते हैं, इसको करते हैं बंद, और मेरे को एक बार देखना पड़ेगा मैप में। तो यहाँ पर बंदा, मतलब यहाँ से मेरे को आना मेरे घर के पास में, तो चलो चुपचाप जाते हैं। पहला हमारा ये इलीगल काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो पैसे बनाने का यही तरीका, कस्टमर ज़्यादा कुछ आ नहीं रहे तो और कुछ कर नहीं सकते हम। ओके, यहाँ पर बंदा मुझे मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ये लड़की है, ठीक है। ओके, मैंने दे दिया $68 हमारे हो चुके हैं, पहला हमारा कस्टमर, और क्रैक्ड गेम बेचने का बिजनेस कर लिया हम लोगों ने शुरू यहाँ पे। अब ऐसे ही करके करना, देखो हर बार सक्सेस नहीं मिल रही है, टाइम भी लग रहा है उसमें, और दूसरा ये हो रहा है कि थोड़ा सा मना मतलब मेहनत लग रही, कई बार हो नहीं पा रहा, हर बार पॉसिबल नहीं कि हो सकता है। तो देखो अभी थोड़ी देर में $68 कमा लिए, मुझे लगता है ना थोड़ी देर मुझे ये काम दोबारा से करना है। मैंने एक बार कोशिश करी थी, लेकिन कैफ़े खोल के ना अभी टाइम हो नहीं रहा, मुझे कैफ़े में अगर पैसे कमाने हैं तो ये काम करना पड़ेगा। थोड़ी देर और कुछ गेम क्रैक करने की ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो मज़ा आ जाएंगे, उसके बाद से फिर मैं और सेल करने वाला हूँ। और ये जो गेम है इसकी तो हमको जो ऑर्डर्स है आने स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो आते रहेंगे। ओके, एक और ऑर्डर आ चुका है $76 का, अभी ये तो बेहतरीन हो रखा है अब। लेकिन मेरे पास ना यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, तो यहाँ से एक और बाय कर लेते हैं, एक और दे दे मेरे को। ओके, एक और कस्टमर है जो मुझे यहाँ मिलने वाला। अबे एक सेकंड, कौन सा है इसमें से, यही है ना पक्का? ओके यही है, ये बंदा कुछ करेगा तो नहीं, पक्का बॉडीगार्ड है इसका? ओहो ओके ठीक है, तो इसको दे देता हूँ। $76 और कमा लिए, मज़े आ रहे हैं, मतलब ये बहुत सही चीज़ हो रही है, तो अभी दिमाग ख़राब मत करें यहाँ से जा। तो अभी हम लोग ना अच्छा खासा पैसा अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि गेम क्रैक करना ना इतना भी आसान नहीं है। मैं एक और गेम ट्राई, जो इजी वाला मैंने कर लिया था, जो थोड़ा सा मीडियम वाला था ना, उसको मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं लगे रहूँगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है यार, इसमें प्रॉफिट बहुत होने वाला है। तो एक बार दोबारा से सर्वर ज्वाइन करते हैं अपना। ओके, तो अभी ना मैं यहाँ पर यही वाला काम कर रहा था, सीढ़ी वगैरह देने का, और मेरे पीछे ना पुलिस वाला पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना चाहिए, तो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं नहीं ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। शिट, एक सेकंड, मुझे ना कहीं पर ये सीढ़ी रख के आनी पड़ेगी, एक काम करता हूँ। अभी अभी मेरे को पकड़, नहीं, अगर इसने मेरे को सर्च कर लिया तो इसको समझ में आ जाएगा, उसको दिख जाएगा कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं काम करता हूँ इसको ना ड्रॉप कर देता हूँ। ओके 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 ओके, अब ला सर्च कर ले, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। ओके कर ले, कोई बात नहीं, आराम से, ठीक है। मैंने सीढ़ी, एक सेकंड, ये ओके, मेरा ना एक बंदा खड़ा हुआ है इधर, कहाँ है वो बंदा? यहाँ है। ओके, तो मेरे को क्लब के पास जाना है, और मैं जैसे ये काम करके निकला ना, ये मेरे को सर्च करने आ गया, मेरी हालत हो गई ख़राब, मुझे लगा अब ये पकड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे आगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे DVDs रेडी हैं, अब बस मुझे इनको इनके जो सही कस्टमर्स हैं उन तक पहुँचाना है। तो अभी ले ले ले, खुल जा, यहाँ पर काम करना है, बहुत काम करना है। ओके, बंद हो जा। अर्ली एक्सेस वाले एक है, बाकी चिकन पैन रॉयल वाले, तो पहले सबसे पहले अर्ली एक्सेस वाले देता हूँ। एक चीज़ मेरे को ये आज सीखने को मिला है कि एक बार में ना सिर्फ एक टाइम की गेम, एक टाइप की, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, एक टाइप की गेम मेरे को एक बार में ऑर्डर्स लेने, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, और किसी को अगर उल्टी सीधी पकड़ा दी तो मतलब मेरे चक्कर ज़्यादा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो अभी वो बंदा मेरे को देखना है जो उस टाइम मेरे को दिख रहा था, जो यहाँ झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, ये चुपचाप। ओके ठीक है, मास्क लगा रखा है ना, सही है, $133 कमा लिए। दोबारा चलते हैं वापस, और एक एक करके मैं सारे निपटाता हूँ, फिर जाके देखते हैं कि क्या कुछ मैं अपनी शॉप के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, क्योंकि पैसे अभी हो रहे हैं हमारे पास, बस मुझे यहाँ से एक और सीढ़ी लेनी है। ओके, आज का लास्ट काम है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये बंदा है। चलो अभी मेरे पास कितने पैसे अभी हो चुके हैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे पास स्किल्स देखो हमारी 47 हो चुकी है, मैं इनको अनलॉक कर सकता हूँ, 47 वाली ये है, इसको पंच 2 को अनलॉक कर सकता हूँ। अगर कैफ़े में जाऊँ तो कस्टमर इंक्रीज इन लाइकलीहुड कमिंग टू, ओके ये भी मैं कर सकता हूँ 46 में। तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी पहले जो फोकस है वो है अपने कैफ़े पर, और बहुत बहुत सही काम किया आज हमारे, बहुत अच्छा खासा पैसे कमा लिए। ये बंदा क्या कह रहा था मुझसे? ओके, लाइट का कह रहा है कि जो बार बार बंद हो जा रही है अपने, कोई बात नहीं, अभी मैं मैनेज कर लूँगा, मैं $200 देना नहीं चाह रहा अभी, एक बार ऑर्डर देख लूँ क्या, और मुझे पता है ऑर्डर और आ रखे होंगे, देखो आ रखे हैं। ये एक ना मतलब चले जाने वाला बिजनेस है कि आराम से हम लोग कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक फिक्स्ड अमाउंट है। अभी जैसे 54 का बिका है, ये 75 भी देने को तैयार है, तो अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे।
और एक बार क्रैकेबल गेम और देखता हूँ कि कोई आ रखे हैं क्या। मैंने ये तीन क्रैक कर रखे हैं, ये तीन, और बहुत सही हो रहा है काम यहाँ पे। ओके तो यहाँ से अनलॉक हो रही है, तो अभी हमारी एक अनलॉक हो चुकी है और दूसरी अनलॉक हो चुकी है, तो यहाँ से ये अभी अनलॉक हो नहीं सकती। तो अब जाके कस्टमर्स हमको टिप दे सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर ना अपना ये ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे चोरी तो नहीं करेगा ना जो वो बंदा है यार, उसको ये देखो ये बंदा। ओके अभी हमारी पंच में उतनी ताकत नहीं है, तो उसके लिए वो करना था, ठीक है कोई बात नहीं। अब जाके ना मेरे पास पैसे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि कितने हैं, कहाँ पे दिखेगा। ओके यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास अभी $1,224। अब मुझे लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 5 और ऑर्डर आ चुके। अबे रुक जा तो बंदा ये ले। ओके यहाँ ना ऑर्डर की भरमार लगी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले महंगे वाले निपटा, सबसे पहले एक टाइप के गेम जो है उनको निपटाता हूँ, इसके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक ही है बंदा ये पैन वाला, तो ठीक है इसको करता हूँ सबसे पहले। तो ये लास्ट मैं सीडी देने जा रहा हूँ, और एक बार मैं सीडी वाले की शॉप में जाके आने वाला हूँ। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैं सोया नहीं हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ऑर्डर उसका रीसेट ना हो, क्योंकि इसके पास सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे स्प्रे है, ये है, खुद भी सो गया बेचारा। ओके तो ओके यहाँ से बैग बाय करना है यार, वही मैं सोचूं कि ओल्ड LCD, ये भी LCS हम ओके पुराने पार्ट्स बेचता है। ओके ये बढ़िया मेरे को लग रहा है। एक सेकंड मैं आता हूँ तेरी दुकान में, एक सेकंड में पहले अपने कस्टमर को देख के आता हूँ। कस्टमर मेरा कहाँ है, इधर है, यहीं कहीं पर था मेरा कस्टमर। ओके ये है, चल हो गए। अभी मेरे पास कितने पैसे हो गए, मेरे पास हैं अभी $1,484। तो बैग वैग का चक्कर मुझे यही लग रहा था, एक बार मैं ना घर जाके सो के आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत देर, मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ मैं सोने गया ही नहीं, तो मुझे लगता है कि एक बार ना सो लेना चाहिए मुझे। बहुत टाइम बाद घर आ रहा हूँ यार, मतलब मैंने बहुत काम निपटा दिए। काम क्या निपटाया, मैंने बहुत सारा सही सेटअप कर लिया पैसे कमाने का। और एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ऐसा भूतिया सा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। तो एक बार सो जाते हैं आराम करके, शायद जब मैं जाऊँगा ना तो हो सकता है CD वगैरह रीसेट हो जाए। सोच रहा हूँ कि यार एक ना ओल्ड सिस्टम बाई कर लूँ, मतलब सही रहेगा क्या पुराना सिस्टम बाई करना। एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक बैग तो उससे बाई कर लेना चाहिए अगर मुझे CD वाला काम करना है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब उसके बिना ना बैग, मुझे लग रहा था कि मेरे पास बैग है बट उसका एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैग है नहीं, मुझे बाई करना पड़ेगा। एक सेकंड चल, तो चलती क्यों नहीं है, मुझे लग रहा है शायद रीसेट हो गए होंगे। अगर हो गया तो बढ़िया है, क्योंकि बट फिर भी अभी मैं इसको थोड़े टाइम के लिए ये वाला काम छोड़ रहा हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ एक काम करते करते। ओके हो चुकी है, यहाँ से एक बाई कर लेते हैं अभी के लिए। और एक काम करते हैं, इसको अभी रखते हैं यहीं पर, मैंने एक बैग बाई कर लेता हूँ। ये है ₹2,000 का। अबे यार इतना महंगा बैग, बहुत महंगे दे रहा है यार। अगर सस्ते होते तो मैं बैग ले लेता आराम से अपना, एक बार में ना CD लेके रख लेता, जितने ऑर्डर आ रहे हैं उनको मैं एक बार में राइट करके रख लेता, फिर आराम से अपना देने जाता, तो ये काम बढ़िया रहता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको लगा के ही रखता हूँ। इसमें मैं ऑर्डर तो आ रखे हैं बट मैं अभी ना पे मैं चाह नहीं रहा हूँ कि ऑर्डर, देखो 8 ऑर्डर आ चुके हैं मेरे पास में। अब यार एक या ना यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, $31। चलो अभी पहली बार मेरे को इतने मिले यार, वरना बहुत कम मिल रहे थे मुझे ना। मुझे लगता है कि बैगर के पास जाना ही पड़ेगा। रुक जा, कहाँ चलेगा, मुझे इसको देने पड़ेंगे पैसे। ये कुछ कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है, कोज द इलेक्ट्रिसिटी टेक ब्राइब्स। ओके $200 इफ़ यू विल गिव मी $200 दोज पंकज फॉर यू एंड दे डोंट। ओके तो ये कोई बंदा मेरी लाइट टर्न करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से उल्टे सीधे काम कर सके, ठीक है। अब जाके शायद लाइट वाइट बंद ना हो, क्योंकि ना कस्टमर नाराज होकर चले जा रहे हैं। अबे यार यहाँ पे ऑर्डर तो देखो, एक बार ऑर्डर देखो यहाँ पे कितने सारे हैं। तो ये सबसे महंगा अभी हमको आ रखा है $134 का, ये मैं करने वाला हूँ। और मैं कुछ और गेम भी क्रैक करूँगा, तो मुझे ना थोड़ा सा इसमें ऑफ कैमरा कुछ काम करने पड़ेंगे, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। और अभी हम बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि मेरे को भी देखना है कि क्या तरीका सही तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे कि आप CD लेके रख लो बहुत सारे, और मुझे एक बैग ख़रीदना सबसे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरे पास ना $1,045 हो चुके, क्योंकि $400 अबे यार $400 खर्च कर दिए मैंने। मैं स्पिन वाले में लगा दिए, बैठ बैठ के चक्कर में नहीं रहना है मुझे, अब से नहीं लगाने। ओके ठीक है, तो ये दे दिए। अब जाके एक बार मैं लास्ट देख के आने वाला हूँ बैग उसकी शॉप में, कि क्या मैं कुछ चीज़ें बाई कर सकता हूँ यहाँ से। चेयर भी बाई कर सकता हूँ, ये सही सस्ती दे रहा है, यहाँ से बाई करूँगा मैं सही में। देखो अब चेयर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ओल्ड का। और लग्जरी बैग $475 का, $1,000 का ये बैग दे रहा है। कैपेसिटी वगैरह पता चलती ना तो मज़ा आता, लेकिन ये नहीं पता चल पा रही। तो अभी के लिए ये बैग मैं बाई कर लेता हूँ, लेकिन इसको मैं एक सेकेंड, कुछ होगा ना पक्का, मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन गया। ओके अच्छा इसमें 2 स्लॉट हैं, ठीक है समझ गया हूँ, इसमें 2 स्लॉट हैं। तो लेकिन ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं महंगी वाली ख़रीदता यहाँ से, ये वाली ख़रीद लेता,
मुझे क्या पता कि इसमें इतनी स्पेस है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको बाई कर लेते हैं। अब जाके एटलीस्ट मैं एक बार में तीन चीज़ें लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मैं यही समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि मेरे को बैग दिया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन मैं बैग में कुछ रख क्यों नहीं पा रहा हूँ। चलो तीन बार, एक बार में तीन चीज़ें लेके जा पा रहा हूँ, सही है। मैं यही सब चीज़ें लेके जाने वाला हूँ, नया खरीद के फ़ायदा नहीं है। बैग ले लिया मैंने, लेकिन यार वो बंदे ने ना सही से रखा, मतलब बताया नहीं था कि किसमें कितना स्पेस मिलेगा। उस हिसाब से मैं फिर बड़ा वाला ही बैग लेता एक बार में। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए ये सही है। और ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं अभी यहाँ पर अपने पास, ऑर्डर्स की कमी ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये देखो इतने क्रैकेबल कोई गेम आ रखे हैं, एक और आ रखा है ये अबे नहीं, बहुत माइनर स्पीड, ये मैं करने वाला हूँ, ये ट्राई करते हैं, उसके बाद से हम लोग आज ये एपिसोड खत्म करेंगे। एक बार ये ट्राई मैं करने वाला हूँ पक्का। तो मैं सारे अच्छे अच्छे हार्ड वाले गेम भी करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि जो हार्ड है ना वो शायद अच्छे गेम होंगे, महंगे बिकते होंगे, तो वो मैं भी महंगे बेच पाऊँगा। $10 में अगर हम लोग $40 का प्रॉफिट मिल पा रहा है तो मतलब बहुत सही चीज़ है। अभी नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आपको बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न करके दिखाने वाला हूँ। ये क्या हुआ, ओके चल रहा है, देखते हैं कि इसको कर पाते नहीं कर पाते। चलो इस बार मैं नंबर चेंज करने वाला हूँ, इससे तो नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं इसको कर दे वाला हूँ 15 मेरे लिए लकी हो रहा है, क्योंकि हर बार जब मैं यहाँ पे 15 डाल रहा हूँ तो तब वो काम कर जा रहा है। ओ हो चुका है, अभी भी कर गया। ओके अब जाके इसको करते हैं क्रैक, अब जाके ये वाला गेम भी क्रैक होना स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ऑर्डर के ना भरमार पड़ने वाली है, और मैं फ़िलहाल के लिए कैफ़े छोड़ के यही काम करने वाला हूँ, क्योंकि कैफ़े में बहुत एक तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, बट हाँ अभी कैफ़े में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा टाइम के लिए आ नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई अच्छी गेम्स है और ना ही सुनने को मेरे पास स्पीकर है। Spotify इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन स्पीकर भी तो होना चाहिए ना। ओके तो एक और गेम हो चुका है। अब मैं अपना बहुत सारी CD तैयार करके रखने वाला हूँ, भले ही मेरे पास ऑर्डर आए ना आए, पहले से मैं सारे गेम्स की CD तैयार करके रखने वाला हूँ। जैसे ही ऑर्डर आएंगे हम लोग बेचने उसको देने चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बार अपने पास $4,000-5,000 हो जाए ना, तो फिर जाके मैं एक तो नया, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, इसीलिए मैं अभी बाई नहीं कर रहा हूँ। देखो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना क्या मुझे नया पुराना सिस्टम लेना चाहिए वहाँ से, वो कुछ इश्यू तो नहीं आएगा उसमें, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो यहाँ पे, या मुझे नया लेना चाहिए, तो वो आप लोग मेरे को रिकमेंड करना चाहिए क्या बोल रहा हूँ, रिकमेंड करना। और मेरे को ये भी बताना कि क्या महंगा बाई करके जो गेमिंग टाइप के PCs वगैरह हैं उनको बाई करके कुछ फ़ायदा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर मिलने वाला है तब तो सही है, अगर नहीं मिलने वाला तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है नहीं मिल चुका ही है। ओके तो आप लोग बताना, और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड मचाने वाले हैं धमाल, बहुत कुछ, मतलब मैं तब तक बहुत पैसे कमा के रखने वाला हूँ, क्योंकि अभी पता चल चुका है ना कि कैसे कमाने हैं। तो आज का एपिसोड कर लेते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।